tech.com के न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। एससीएसटी मामले पर संसद में हुआ हंगामा, इसके साथ ही फेक न्यूज देने पर पत्रकार की अधिमान्यता रद्द करने के फैसले को मोदी सरकार ने लिया वापस, इसके साथ ही आपको मिलवाएंगे लाखों दिलों की जान अर्शी खान से। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राजनाथ सिंह ने आज संसद में बयान दिया है और इस बयान के बाद हंगामा भी हुआ, इस पूरी खबर को बताएंगे मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा। श्रीकांत, SC ST मामले पे आज के दो बड़े अपडेट हैं। पहला अपडेट ये है कि SC में जो एक रिव्यू याचिका डाली गई थी तो उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम SC ST के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर किसी कोई आरोपी नहीं है या कोई दोषी नहीं है तो उसके खिलाफ मुकदमा अभी हम होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके पहले संसद में बहस हुई जिस पर सरकार ने ये साबित करने की या अपना पक्ष रखने का प्रयास किया कि वो संसद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें पार्टी जो है सरकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है और इस और हमारा संविधान अल्पसंख्यकों को और SC ST को एक विशेष व्यवस्था देता है और हम उस पर यकीन करते हैं। ये अपडेट है आज का। बिल्कुल रोहित, सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये मामला इस तरह इतना बढ़ क्यों गया? मामला ये बढ़ा, इसकी दो वजहें थी। देखिए, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसका कोई नेता नहीं था, ये सोशल मीडिया ड्राइव किया हुआ एक बंद है। इस पूरे मसले पर कोई दलित नेता नहीं था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसको सपोर्ट नहीं था, फिर भी ये जो है सोशल मीडिया से निकला हुआ मुद्दा है और इस पूरे SC ST को आरक्षण से भी जोड़ दिया गया। आप अगर पाएंगे अपने सोशल मीडिया पर, खासकर फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे अलग अलग जो मैसेज हैं, इस पूरे मसले पर पूरा फेसबुक दो भागों में बटा हुआ है। जो अगड़ी जातियां हैं उनके अलग पक्ष हैं और जो SC ST उनके अलग पक्ष हैं। तो जो हिंसा की वारदातें हुई तो उसमें कई जगहों पर ऐसा भी देखने आया है कि कुछ लोग बंद के पक्ष में थे और कुछ लोग बंद को न होने देने के पक्ष में थे और उनके बीच में हिंसक झड़प हुई। अब इंटरेस्टिंग मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन पे जो उसका फैसला है कि हम इसके खिलाफ नहीं है लेकिन हम एक बेकसूर पर मुकदमा नहीं होने देंगे। अब देखना यह है कि इस पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, चूंकि इसका कोई नेता नहीं है, अगर कोई एक नेता होता तो उससे बात करना आसान होता है, इस पूरे मुहिम का कोई नेता नहीं है, तो अब ये जो पूरा आंदोलन है वो किस दिशा में आगे बढ़ता है। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसके खिलाफ नहीं है लेकिन हम किसी बेकसूर पर मुकदमा दर्ज नहीं होने देंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। फेक न्यूज देने वाले पत्रकार की अधिमान्यता रद्द करने के फैसले को प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बाद वापस ले लिया गया है, इस खबर को बताएंगे मेरे सहयोगी रोहिताश। जी श्रीकांत, कल स्मृति ईरानी की मिनिस्ट्री ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रश्न नोट जारी करके कहा था कि अगर फेक न्यूज अगर करता हुआ कोई पत्रकार या किसी मीडिया हाउस में फेक न्यूज होता तो उसकी अधिमान्यता को तीन स्टेप्स में उन्होंने पेनल्टी लिखी थी कि अगर पहले बार में अगर आप पकड़े आते हो तो 6 महीने के लिए आपकी अधिमान्यता रद्द होगी, दूसरी बार में पकड़े आते हो तो आपकी 1 साल के लिए, तीसरी बार अगर आप पकड़े आते हो वापस वही काम करने के लिए तो आपकी आजीवन अधिमान्यता रद्द हो जाएगी। सोमवार को यह फैसला आता है, सोमवार को उसके बाद कांग्रेस के नेता जो है इस पे सवालों के एक के बाद एक कई सवाल दागते हैं बीजेपी के ऊपर कि आप फेक न्यूज को नापो कैसे, इसे लोग जो है प्रेस की आजादी से भी जोड़ने लगे। आज जो है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से स्पष्टीकरण आया है कि इस तरह की जो व्यवस्था है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, इससे बेहतर है प्रेस काउंसिल और जो NBA है वही ये तय करे कि ये खबर फेक है या नहीं और उन्हीं का इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। जिसके बाद अब ये सूचना प्रसारण मंत्रालय का जो कल का प्रश्न नोट था वो पूरी तरह से खारिज हो गया है। पहली बार ये देखा गया है कि PMO की तरफ से किसी ऐसे मामले में सीधे अपने ही सरकार के किसी मंत्रालय के फैसले पर सवाल दागा गया और उस फैसले को पलट दिया गया है। इससे पहले पलटने ऐसा मामला नहीं आया था और कहीं ना कहीं मोदी सरकार अपनी एक इमेज को जो बनाने की कोशिश की जा रही थी कल रात से अभी तक मीडिया सोशल मीडिया पर कि आपके खिलाफ अगर लिखा जाता है तो आपको खराब लगता है और आप वापस इसलिए प्रेस पे किसी तरह से कंट्रोल दिखाना चाहते हो, तो वो उसका जवाब देते हुए सरकार ने PMO की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पहले व्यवस्था थी अगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या NBA जो करेगा वही मान्य होगा, सूचना मंत्रालय कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन फिर लगाम कैसे लगेगी रोहिताश फेक न्यूज पे? फिर नहीं, एक्शन के लिए दो संस्थाएं हैं, पहले से काम कर रही थी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो प्रिंट मीडिया की जो इस तरह की खबरें हैं उनको एग्जामिन करता है और जहां उसको जरूरत पड़ती है वहां करेक्टिव मेजर्स भी लेता है।
चैनल्स की बात करें तो एनबीए है, एनबीए इस तरह के मेजरमेंट्स लेता है, उनको लगता है और करेक्टिव एक्शन लेता है। और ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भास्कर भी नो फेक न्यूज का कैंपेन भी लगातार चला रहा है और इस दौरान भी कई बार ऐसा देखा गया है कि सरकार की तरफ से भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं। अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं जो हमने एग्जामिन कराया था कि सरकार ने एक प्रेस नोट जारी की जिसमें उन्होंने लिखा था 1 अक्टूबर के बाद 10 सर्टिफिकेट के लिए आपको आधार अनिवार्य हो जाएगा। आधे घंटे पहले वो प्रेस नोट जारी होता है पीआईबी पे और जब मामला बढ़ता हुआ दिखता है तो उस पीआईबी प्रेस नोट को वापस बाहर ले लिया जाता है और सरकार फिर दूसरा प्रश्न डाल देती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सिर्फ मीडिया ही नहीं, सरकार की तरफ से भी भ्रमित चीजें की जाती हैं। और रही बात सरकार की तरफ से कंट्रोल करने की, उसके लिए तो संस्थाएं हैं जो बराबर कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद यह फैसला वापस लिया गया है। फेक न्यूज पर लगाम को लेकर यहां पर स्मृति ईरानी ने कहा था कि पत्रकार की अधिमान्यता रद्द की जा सकती है। अब मिलिए बिग बॉस 11 के फेम अर्शी खान से। अर्शी, आपका दैनिकभास्कर.com के घर में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि जो बिग बॉस सीजन 11 था वो आप ही के लिए बना था। सीजन 11 और मेरा लकी नंबर 11 और 11वें हफ्ते में मैं कैप्टन बनी तो मैं ही उसके लिए लकी थी। डेफिनेटली मेरे लिए बना था। इसके साथ ही हमारे साथ गगन भी है जो आपसे कुछ पूछे। अर्शी, पहले तो वेलकम है आपका डीवी डिजिटल के न्यूज रूम लाइव में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिग बॉस 11 में जाने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? बहुत ज़्यादा चेंजेस आया, क्योंकि जब आप एक कॉमन बंदे रहते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अलग रहती है कि कुछ भी पहन लिया, कोई भी किसी भी तरीके की सैंडल पहन ली, कपड़े पहन लिए, या फिर आपका लाइफस्टाइल जो है, और एक सेलिब्रिटी की लाइफ बहुत अलग होती है। अपने आप को देखना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, कुछ गलत चीज़ निकल जाए तो उसका ऐसा बवाल मच जाता है, तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। बिग बॉस के घर में एक बहुत अच्छी चीज सीखी मैंने, सबसे पहले तो दोस्ती, दूसरा राशनिंग, कि आप कम खाने के अंदर लोगों को कितना खिला सकते हैं और खाना फेंकना नहीं चाहिए, ये मैंने बहुत अच्छे सीखा। आपने बोला कि बिग बॉस के घर के अंदर आपने दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से सीखी, आपकी दोस्ती शिल्पा शिंदे के साथ भी शुरुआत में बहुत अच्छी रही थी, बाद में आप दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई थी, विकास के साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी रही, तो विकास के साथ अभी भी शायद आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन शिल्पा के साथ अभी आपके कैसे रिलेशन? देखिए, शिल्पा बहुत अलग इंसान है, वो आपने शो में भी देखा होगा, क्योंकि उनकी सोच ही बहुत अलग है। वो जब दिल चाहता है तो इतना दिल खोल के मिलती है कि बस दुनिया के अंदर उनसे ज्यादा अच्छा नहीं है, और अगर उन्हें नहीं मिलना है तो फिर वो नहीं मिलती है। वो बहुत मूडी इंसान है और घर में रहने वाली इंसान है। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि अर्शी, मुझे ज्यादा किसी से मिलना, बाहर बातचीत करना, सब पसंद नहीं है, मैं अपने घर में रहना पसंद करती हूँ। रिश्ता बहुत अच्छा है, व्हाट्सएप पे आई लव यू टू होता रहता है एक दूसरे के साथ, तो इतना ही काफ़ी है, बिकॉज वो मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। और किसी को फोर्सली या फिर सोशल मीडिया के लिए या फिर लोगों के सामने दिखाने के लिए कि हमारा रिश्ता है उसके लिए फोटो क्लिक करना, तो वो हम दोनों ऐसे हैं ही नहीं। और हमने बिग बॉस में भी देखा था कि जब वो खाना बनाती थी तो आपका मन उधर ही लगा रहता था शिल्पा। एक्चुअली उनके साथ मेरा ऐसा रिश्ता है कि वाकई में वो माँ की तरह है, और उनके उनसे लड़ाई भी हो गई थी, लेकिन मेरा जो बेड है उसके सामने जो मिरर था वहां से किचन का पूरा दिखता था, तो मैं सिर्फ बेड के पास देखती रहती थी कि अब ये क्या कर रही है, और वो ये देखती थी कि कहीं हिना तो उसके पास नहीं बैठी है, कहीं हिना तो उसका मेकअप नहीं कर रही है, तो लगातार दोनों एक दूसरे पर नजर रखते थे। वो नहीं चाहती थी कि आप हिना के ज्यादा करीब जाओ? नहीं, उन्हें हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा सीन यही था कि जब सपना गई थी तो हिना बहुत रो रही थी और मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा यार अब एक ही बच्ची है, 3 लोग ही हैं, तो मैंने हिना को कहा तुम खाना खाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हम साथ में रहेंगे। अभी बिग बॉस के पहली बार भोपाल आप आए हो, आपको क्या लगता है कहाँ लीक किया कि जो आपको क्राउन या वो बिग बॉस का टाइटल जीत सकते थे, क्योंकि भोपाल की हो पे आज आप फैमिली के साथ में हो, कहाँ लगता है कहाँ चूक हुई या क्या कमी रही? नहीं, मैं आपको ये क्लियर मैंने पहले भी किया है कि मुझे शो नहीं जीतना था, बिकॉज शो से जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि मैं अपनी इमेज कैसे सुधार सकती हूँ। बिकॉज शो से पहले बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थे, अर्शी एक कंट्रोवर्सी क्वीन थी, लेकिन आपको वो जो प्लेटफॉर्म मिला तो आप अपनी शख्सियत को कैसे बता सकते कि नहीं, वो जो था वो हो चुका है, वो बीत चुका है, लेकिन अब जो अर्शी निकली है बिग बॉस से उसकी इमेज बिल्कुल डिफरेंट है, और उस पर जो वर्क करना था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि 10 लोग थे, उनको भी अपनी इमेज संभालना थी, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे बनानी है तो मैंने बनाई।
चाहा जाता है कि कंट्रोवर्सी के बाद आपको सक्सेस ज्यादा मिलती है, ज्यादा ऑफर मिलते हैं। पद्मावती की बात की जाए, कंट्रोवर्सी हुई, फिल्म ह्यूज सक्सेस हुई, या प्रिया वॉरियर की बात करेंगे, एक लड़की एक छोटे से उसमें वीडियो में आंख मारती है और दुनिया भर में फेमस हो जाती है और उसके बाद उसको फिल्म मिलती है। अर्शी को क्या मिला उस बिग बॉस में जाने के बाद और फेमस होने? अभी अर्शी क्या कर रही है, क्या ऑफर है? मैंने अभी एमटीवी का शो कम्प्लीट किया, इश्क में मरजावा शो कम्प्लीट किया। अभी मैं रियलिटी शोज करने वाली हूँ और इंशाल्लाह मैं फुल फोकस हूँ कि मैं इंटरनेशनल रियलिटी शोज करूँ, बिकॉज इंडिया को रिप्रेजेंट करना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। क्योंकि मैंने जो मेरी 90s के बाद बिग बॉस के अंदर जो बिग बॉस ने मेरी इमेज बनवाई एक साड़ी वाली और एक अनारकली वाली, तो वो चीज़ बहुत उम्दा कह सकते हैं कि अगर आप किसी बाहर के शो में जाएं तो भोपाल को दिखाएं, यहाँ का नवाबी स्टाइल दिखाएं और अपने इंडिया के अंदर जैसे बिंदी लगाई जाती है, साड़ी पहनी जाती है, तो वो बड़ा शौक है मुझे कि इस साल या फिर अगले साल तक मैं उस जगह पहुंचूं। अभी जैसे मैंने अभी एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, आपका ही इंटरव्यू था शायद, उसमें लिखा हुआ था कि आप बिग ब्रदर करने वाली हैं, तो बिग ब्रदर के लिए आपको अप्रोच किया गया है क्या, ये जानना चाहिए? देखिए उस चीज के ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन उसके लिए मुझे एक बार वहां पर जाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगी, सारी चीजें समझना पड़ेंगी। लेकिन मैं यूके का नहीं कर सकती बिकॉज वो बहुत ओपन है और मैं इतना ओपनली नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया का जो है वो मैं जरूर करूंगी। एक सवाल और है कि जब आप बिग बॉस से निकली थी उस समय आपने एक ट्वीट किया था कि आप प्रभास के साथ फिल्म करने वाले हैं, तो उस फिल्म का क्या हुआ, वो जानना चाहिए? देखिए वो फिल्म का मैंने फर्स्ट एग्रीमेंट साइन किया था और वो चीज मैंने मीडिया को भी दिखाई थी कि भाई मैंने इस प्रोडक्शन हाउस के साथ ये साइन किया। लेकिन जब मेरी सेकेंड मीटिंग होगी और मेरा फाइनल एग्रीमेंट होगा, मैं हैदराबाद जाऊंगी, तो मैं जरूर रिलीज करूंगी ये चीज, ट्वीट करूंगी कि मैं कब उनके साथ और कौन सी मूवी कर रही हूँ। लेकिन अभी तक मेरा फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो मैं येस और नो में जवाब नहीं दूंगी बिकॉज मीडिया कुछ भी चाहती है। तो अभी टीवी पे या बॉलीवुड में आपके कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो जो चल रहा? जी मैं फोकस सिर्फ अभी स्टार्टिंग अगर इंडस्ट्री के अंदर फिल्म से रहेगी मेरी, तो सिर्फ साउथ की रहेगी बिकॉज मेरा फोकस सिर्फ साउथ पे है अभी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग साउथ से करूंगी, देन आई विल कम इन नॉर्थ। जैसे टीवी पे अभी आप जब बिग बॉस से बाहर आए, तो उसके बाद आपने शायद 300 किए हैं अगर सही गिनती मेरी है, 300 किए हैं, तो टीवी पे कुछ और भी लाने वाली है क्या? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बोला है कि कलर्स मेरा मायका है और मेरी कल ही उनसे बात हुई थी। लेकिन क्या होता है ना कि हर आर्टिस्ट की एक इमेज होती है और उस हिसाब से कैरेक्टर निकाला जाता है, उस हिसाब से। जैसे मेरी इमेज बड़ी एक डांस और बड़ी डीवा ऐसे टाइप की, आपने देखा होगा इश्क में मरजावा में आई एंट्री मेरी ऐसी थी, तो जैसे जैसे वो काम आते जाएंगे वैसे वैसे कलर्स मुझे देता जाएगा। अच्छा एक चीज और, कि विकास जब बाहर आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैंने शो से जो भी रकम कमाई है 6 लाख रुपए जो मेरे हैं वो मैं अर्शी और ज्योति में बांट दूंगा, तो कल ही बात हुई है मेरी इस बारे में, मैंने कहा पैसा दे दो, अब पैसा आ गया उनके अकाउंट में परसों, उनके अकाउंट में परसों पैसा आ गया है और मैं अभी मुंबई जाकर उनसे सबसे पहले चेक लेना है मुझे कि भाई तुम अभी दो मुझे। तो उन्होंने कहा कि 6 लाख रुपए मैंने उनको जो जितवाए थे, तो उनसे यही बात चल रही थी कि 3 का ही काटोगे ना तुम चेक, तो उन्होंने कहा नहीं वो उसमें से टैक्स भी कटा है तुझे पता नहीं है, तो मैंने कहा पूरा टोटल बताओ कितना दोगे अभी। ओके थैंक यू अर्शी, अच्छा लगा आपसे बात करके, सो मच थैंक यू। भोपाल में जी .com के न्यूज रूम में आपके बहुत सारे, जैसे विकीपीडिया बहुत सारे सेलिब्रिटीज के पेज बन जाते हैं, उस पर आपका अफगानिस्तान दिखाते हैं, भोपाल से क्या रिश्ता है, भोपाल में क्या खास आपका वक्त गुजरा और भोपाल को लेकर आप कुछ कहना चाहती हैं अपने क्या हकीकत है? देखिए अफगानिस्तान जो है वाकई में रिश्ता है, अफगानी पठान है, यूसुफ जई पठान है, और मैंने पहले भी बोला कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं और फैमिली मम्मी पापा भोपाल में रहते हैं और पैदाइश भोपाल की है, तो रिश्ता तो है और हमेशा भोपाल से रिश्ता रहेगा। आज पूरा वर्ल्ड भोपाल को जानता है अर्शी के नाम से, तो ये कोई इज्जत से कम नहीं है और आगे भी जानेंगे। आखिरी सवाल मेरा है, दबंग खान सलमान ने आपकी बहुत क्लास लगाई है, उनसे कुछ सीखने को मिला आपको? नहीं मैं एक्चुअली सलमान आप लोगों को ऑन एयर दिखाया कि बड़ा उनको जरूरी था गुस्सा करना बिकॉज घर के अंदर बहुत ऐसे काम हो जाते थे, वो इतने बड़े स्टार हैं कि वो अगर चाहें तो किसी के ऊपर गौर ही ना करें, मुझे क्या लेना देना इसकी इमेज से। लेकिन उनका हमेशा ऑफ एयर मुझे ये कहना था कि अर्शी यू आर वेरी एलिगेंट, सबसे पहली चीज ये है कि तुम बिल्कुल एलिगेंट रहो, तुम्हें बहुत काम मिलेगा और थोड़ा ये कम कर लोगी ना
बहुत कामयाब होगे। उनका इतना कहना बहुत जरूर, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि उन्होंने मुझ पर गौर किया। और वैसे वो क्लास तो सभी की लेते थे लेकिन मेरे साथ हंसी मजाक भी चलता था। बहुत बहुत शुक्रिया अर्षी, दैनिक भास्कर .com के लिए आपने समय निकाला। तो ये थी बिग बॉस 11 की फेम अर्षी खान। हम भी दुआ यही करते हैं कि इनको बहुत कामयाबी मिले। तो न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए दैनिक भास्कर .com के साथ। नमस्कार।